So guys, this is the all new Gold Star 650. ये बहुत ज़्यादा हद तक ओरिजिनल गोल्ड स्टार जो 1960s में आती थी DBD और DB मॉडल जैसी दिखती है, बट येस इट्स अ ऑल न्यू मॉडल डेवलप्ड बाय महिंद्रा एंड क्लासिक लेजेंड्स। और ऑनेस्टली यार, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसको इतनी देर से चला रहा हूँ और मुझे पर्सनली टॉर्क मेरी GT से ज़्यादा फील हो रहा है। बहुत अमेजिंग। मैं सच बताऊं तो अगर मेरी कानों में ना ये सिंगल सिलेंडर की आवाज़ नहीं जाएगी ना, तो मुझे शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है। दिस बाइक इज दैट स्मूथ। सो गाइस, मैं ऑलरेडी गोल्ड स्टार 650 का एक इनडेप्थ रिव्यू बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। मैं जेन्युइनली गोल्ड स्टार 650 से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ और मैंने जितना भी टाइम इस बाइक के साथ स्पेंड किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रीफ में थोड़ा सा राइड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मीनवाइल आप बाइक के एग्जॉस्ट नोट और बाइक की अमेजिंग साउंड एंजॉय करिए। तो गाइस, सबसे पहले तो जो आप चलाओगे ना इसको, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इट्स वेरी वेरी स्मूथ। ऑल्दो 4000 RPM के ऊपर ना वाइब्रेशन आते हैं, बट वो वाइब्रेशन यू नो टैंक पे फील नहीं होते, हैंडल बार पे फील नहीं होते, बट बट में फील होते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग रूट में थोड़ा सा अनाइंग हो सकता है। And I can bet you this bike can easily do 160, 165, 160 की top speed. 5-speed gearbox is a bummer. 6-speed होता तो और अच्छा होता, but ये 5-speed gearbox में ऐसा नहीं feel होता है कि यार ये कम है। It comes with a wet slip and assist clutch. बहुत अच्छा है। Although मुझे ना एक चीज़ experience हुई कि I don't know वहाँ पे play ज़्यादा है। मैं first gear पे भी होता हूँ ना, तो भी मुझे लगता है कि मुझे भी और downshift करना है, क्योंकि ऐसा है कि कोई गियर इंडिकेटर है नहीं बाइक में। इट विल टेक यू मोर टाइम टू एडजस्ट कि हाँ एग्जैक्टली आप कौन से गियर पे हो। और खास करके फिफ्थ गियर पे भी प्ले बहुत ज़्यादा लगता है कि सिक्स पे जाएगा। आप फर्स्ट गियर पे होते हो, आपको लगता है कि यार एक और डाउन शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे गियर लीवर पे प्ले भी है, तो वो थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं मे बी आगे चल के वो फिक्स कर दें। मतलब 6-speed होता तो और अच्छा होता, बट ये 5-speed कहीं से भी कम नहीं फील होता है। थर्ड गियर में भी आप इस बाइक को ना 20 की स्पीड से पुल कर सकते हो ऑल द वे टू 100। तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल इंजन है, बहुत अच्छा है। मतलब सिटी में ना, और हैंडलिंग बैलेंसिंग इज़ टू गुड। मुझे नहीं लगता कि सिटी में तो यार ये इंटरसेप्टर को बीट कर देगी 100%। और क्योंकि फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट ब्रेक एंड फ्रंट टायर्स तीनों काफ़ी सही सेटअप है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और खास करके जब आप इसको सिंगल चलाते हो विदाउट अ पिलियन, विदाउट लगेज, तब आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हो। देखिए, ऐसे ऑफ रोड करने सिनेरियोस में भी ये बाइक डेफिनेटली सही है। सस्पेंशन सेटअप ओके ओके है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्टॉक इंटरसेप्टर के सस्पेंशन सेटअप से बेटर है ये। पर ऐसा ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको ट्रिकी ट्रैफिक में हैंडल करना है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन सही है, पिकअप काफ़ी सही है, और 45 BHP इज डेफिनेटली मोर देन इनफ फॉर एनी स्ट्रीट इन इंडिया, एनी रोड इन इंडिया। बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन है यार, आई लव दिस इंजन। अगर आप सोचोगे कि तो कहीं ना कहीं ये इंजन ना 30 साल पुराने इंजन पे बेस्ड है, एंड स्टिल दिस इंजन इज मेकिंग सो मच गुड पावर।
और मुझे तो लगता है कि अगर आप इसको ट्यून करोगे, डीकैड करोगे यार, ये 47-48 bhp तक भी जा सकता है आराम से। ये वो सेम इंजन है जो कि BMW 650 Fenduro में आता था, उस टाइम पे भी 650 प्लेटफॉर्म था सिंगल सिलेंडर। और अगर आपको थोड़ा भी पता है तो ये Fenduro का बहुत ही रिलायबल इंजन है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस मेरी यूनिट में है या ये प्रॉब्लम हर बाइक में है। बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड में ना जर्क्स आते हैं, ऐसा जैसे कि पेट्रोल नहीं हो बाइक में। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना तो जैसे फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स में झटके लगते हैं ना, वैसे ही झटके लगते हैं मुझे बहुत ही कम RPM पे, लाइक 1200-1300 RPM पे अगर मैं सेकेंड गियर में क्रूज़ कर रहा हूँ उस केस में। बहुत ही लो स्पीड में ना एक अजीब सी वियर्ड सी वाइंडी नॉइज आती है इंजन से, एंड आई थिंक वो फ्लाई व्हील या बैलेंसर की नॉइज है, इफ़ यू कैन हियर इट। थोड़ी वियर्ड तो लगती है वो। 3000-4000 पे तो भाई ये जो कमाल मचाती है ना, ट्रस्ट मी यार, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मूथ 650 है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है कि जब मैंने यू नो KTM's के सिंगल सिलेंडर चलाए थे ना, उसके कंपैरिजन में जब मैं ये सिंगल सिलेंडर चला रहा हूँ मैं ज़्यादा इंप्रेस हूँ। और मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ कि उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे इस एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी यार। मतलब क्लासिक लेजेंड्स में ये अब तक की बेस्ट मोटरसाइकिल है, और अगर इफ दे वर्क वेरी गुड ऑन द ब्रांडिंग दिस बाइक विल सेल लाइक हॉट केक्स। फ्रंट सस्पेंशन काफी सही सेटअप है इसलिए ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर ये फ्रंट सस्पेंशन सॉफ्ट होता इंटरसेप्टर की तरीके तो ब्रेक्स उतने अच्छे फील नहीं होते। रियर का सस्पेंशन ना थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा लगा था, जैसे कि थोड़ा सा भी रोड में ना अप एंड डाउन आता है ना, या फिर जो माइन्यूट से स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो बाइक थोड़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जब मैं बम्प्स पे जाता हूँ ना तो फ्रंट सस्पेंशन मुझे बहुत स्टिफ फील होता है और रियर सस्पेंशन मुझे सॉफ्ट फील होता है। और जैसे जो छोटे छोटे भी इस तरीके के जो रोड के इंपरफेक्शन है ना, वो मुझे थोड़े हैंडल पे फील होते हैं, बट इट्स जस्ट नेट पिकिंग यार। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ नेट पिकिंग ही है, बाइक बहुत अच्छी है उसमें कोई डाउट नहीं है। Let me show you the exhaust note of Gold Star 650. So, जब आप बाइक चलाते हो ना, बाइक का एग्जॉस्ट नोट इतना ब्यूटीफुल फील होता है कि वो एग्जॉस्ट नोट इतना अच्छा है कि उससे भी आपका बाइक चलाने का एक्सपीरियंस ना अच्छा हो जाता है। और आई वुड से कि इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट इतना अच्छा है कि मुझे इस बाइक में पर्सनली एग्जॉस्ट चेंज करने का एकदम मन नहीं है। अगर मैं इसको खरीदता हूँ आई विल नॉट चेंज द एग्जॉस्ट, आई विल जस्ट स्टे पुट विद दिस एग्जॉस्ट।
माइट बी आई ट्राई टू डीकैट इट बट नो एग्जॉस्ट चेंजिंग। और इस बाइक के एग्जॉस्ट की डिज़ाइन में एक चीज़ बहुत यूनिक है, वो ये कि इसमें रिमूवेबल बैफल आता है। बैफल को रिमूव करने से एग्जॉस्ट नोट में और ग्रंट और बास आ जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बाइक में ना एग्जॉस्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइज इसी पे ये वीडियो एंड करता हूँ मैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज गो टू आवर इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ भी मैं ना कॉन्टिन्यूसली चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बाइक प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइड सेफ, बी सेफ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।